मोहम्मद बिन कासिम अरब का 17 साल का नौजवान और बनी उमैया साम्राज्य का कमांडर था। वो अरब से हजारों किलोमीटर दूर से एक औरत की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के खिलाफ जंग लड़ी थी और वो जंग इसलिए लड़ी थी क्योंकि राजा दाहिर ने खुद अपनी ही सगी बहन से शादी की थी। मोहम्मद बिन कासिम को ये बात नागवार गुजरी और वो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने वाला पहला मुस्लिम योद्धा था। मात्र 6,000 सैनिकों के साथ 50,000 की राजा ताहिर की सेना को मात्र 2 घंटों में नेस्तो नाबूद करने वाला योद्धा था मोहम्मद बिन कासिम। आज मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा बोला जाता है। अगर एक औरत की इज्जत बचाना ही लुटेरा होने का प्रमाण है तो मोहम्मद बिन कासिम बेशक लुटेरा था। लेकिन दोस्तों, जो कारनामा मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 साल की उम्र में किया था, वो करने के लिए लोगों को सदियां लग जाती है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।